नए पदस्थ दुर्ग कलेक्टर श्री मीणा ने अपना पदभार संभालने के पहले दिन ही कलेक्ट्रेट परिसर के सभी कक्षों का निरीक्षण कर प्रभारी अधिकारियों कर्मचारियों को लोगों का काम त्वरित गति से निपटाने के निर्देश दिए। दुर्ग में नए पदस्थ कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने पदभार संभालते ही काम के पहले दिन जन दर्शन के बाद कलेक्टर परिसर का निरीक्षण किया और कलेक्टर परिसर में सभी विभागों के कक्ष में पहुंच कार्यों का जायजा लिया। इस कड़ी में दुर्ग कलेक्टर लोक सेवा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदकों से सेवा संबंधित सामान्य चर्चा की और रोज आने वाले आवेदनों के निराकरण की स्थिति के बारे में सेवा केंद्र से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने प्रभारी अधिकारी कर्मचारी से शाखाओं में हो रहे कामकाज के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और नश्ती व पंजी रजिस्टर का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर की साफ सफाई की स्थिति और बेहतर करने व निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि विभिन्न शाखाओं में उन्होंने लंबित प्रकरणों की स्थिति जानी तथा इन्हें पूर्ण करने हेतु लिए जाने वाले समय की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने कहा कि शासन ने नागरिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए निर्धारित समय दिया हुआ है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि निर्धारित समय सीमा के काफी पहले लोगों के प्रकरण निराकृत कर दिए जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष का भी अवलोकन किया, जहां उन्होंने अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर ने विभिन्न शाखाओं में कार्य कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों से उनकी समस्याएं भी पूछी तथा उन्हें अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई एवं अरविंद एक्का तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।